गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर सविता मौर्य। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू लेसन, बड़ी की मात्रा। बच्चों, आज हम अपने इस क्लास में बड़ी की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बड़ी की मात्रा कैसी होती है और उसको कैसे लगाया जाता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये है बड़ी ई। ये क्या है बच्चों? ये है बड़ी ई। बड़ी ई के ऊपर क्या आ जाती है? एक ऊपर मात्रा आ जाती है और इसकी मात्रा कैसे होती है? ऐसे, ठीक है। ये क्या है? ये छोटी ई है, सॉरी, ये क्या है? ये बड़ी ई है। बड़ी ई ऐसे होती है और क्या है? ये इसकी मात्रा। ठीक, आप लोग ध्यान रखिएगा, बड़ी ई की मात्रा व्यंजन के बाद लगाई जाती है। ठीक है, बड़ी की मात्रा कहाँ कैसे प्रयोग किया जाता है? बड़ी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद प्रयोग की जाती है। ठीक है, आइए अब हम कुछ व्यंजनों में बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं और समझते हैं। जैसे का प्लस, सॉरी, क प्लस बड़ी ई की मात्रा की, हा प्लस बड़ी ई की मात्रा ही, गा प्लस बड़ी ई की मात्रा गी, ना प्लस बड़ी ई की मात्रा नी। आपने ध्यान दिया होगा बच्चों, जब मैंने बड़ी की मात्रा का प्रयोग व्यंजन के साथ कर रही थी तो उसका उच्चारण लंबा और तेज हो रहा था। जैसे का में बड़ी की मात्रा की, ही, गी, नी, यानी कि जो उसका उच्चारण है जब बड़ी की मात्रा का होता है तो वो तेज और लंबा होता है। और आपको ये भी मालूम है कि बड़ी ई व्यंजन के बाद लगाई जाती है। आपको ये समझ में आ गया होगा कि उसका उच्चारण कैसे होता है और बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कहाँ और किस तरह किया जाता है। ये आपको अच्छे समझ में आ ही गया होगा। बड़ी ई की मात्रा को और भी अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा वाले कुछ शब्द लिखे हैं। अब मैं उसको पढ़ूंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है? चील, सीप, दीप, तीर, तीस, साड़ी, पानी, रानी, धीमी, मकड़ी। आपने देखा बच्चों, मैंने कुछ शब्दों में क्या क्या है अंडरलाइन किया है, और जो ये अंडरलाइन है ये उसी में है इसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अंडरलाइन यानी कि रेखा मैंने इसलिए खींची है ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि मैंने बड़ी की मात्रा का प्रयोग कहाँ किया है। तो आपको भी ये अच्छे से समझ में आ ही जाएगा कि हमने बड़ी की मात्रा का प्रयोग कहाँ करना है, हमेशा व्यंजन के बाद, यानी कि हमेशा व्यंजन के बाद ही बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आइए अब हम बड़ी की मात्रा और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या है, जो एक पाठ है सबीना की बकरी, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर आपको बड़ी की मात्रा लगाना है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ इसमें हुआ है। आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। सबीना की बकरी। सबीना की बकरी बड़ी हठीली थी। एक दिन सबीना और उसकी दादी नदी पर गए। बकरी भी नदी की ओर भागी। नदी तट की जमीन गीली थी। बकरी फिसल गई, बकरी मिमियाई। तो आपने देखा बच्चों, मैंने यहाँ पर बड़ी की मात्रा का, देखिए यहाँ पे जो शब्द बने हुए हैं, तो बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया। तो आपको बड़ी की मात्रा अच्छे से समझ में आ ही गई होगी। आप भी इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि कहाँ कहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको रेखांकित किया है ताकि आपको बड़ी ई की मात्रा आपको दिख जाए कि कहाँ कहाँ पर लगाई गई और आपको समझ में भी आ जाए। तो बच्चों, आपको बड़ी की मात्रा अच्छे समझ में आ ही गई होगी। तो बच्चों, इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।